अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने अपने तौर पे एक तरह से कहा जाता है बड़ी मदद की, ज़ियाउल्लाह के जमाने में भी बहुत रेफ्यूजीज रखे गए और सारा कुछ बड़ी अच्छी एक दोस्ती सी चल रही। तो क्या पाकिस्तानियों को ये नहीं लगता कि अफगान भी ऐसे ही सोचते होंगे? दे रहे हैं, हम दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी ISI, हमारी एजेंसी, हमारी फौज अफगान तालिबान को कंट्रोल करती है वो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया ने कभी इंटरफेयर नहीं करा। हमारी बनाई हुई सड़क में तालिबान भी चलते हैं, नॉन तालिबान भी चलते हैं। अफगानों को क्या लगेगा? उनको तो यही लगना है कि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि हम इनके फौजी बूट के नीचे। वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? दे विल नेवर एक्सेप्ट। उन्होंने रशियंस को एक्सेप्ट नहीं करा, उन्होंने अमेरिकन्स को एक्सेप्ट नहीं करा, ये सोचना पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप देखी, पाकिस्तान बौखला गया है। जो आतंकवाद की दुकान पाकिस्तान ने कभी हिंदुस्तान के लिए खोली थी, आज वो दुकान पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहती है। पाकिस्तानी मीडिया आज पाकिस्तान का एक असली चेहरा दुनिया के आगे रखता है, जो बताता है कि आज पाकिस्तान की दुकान बंद हो चुकी है। अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान को दुत्कार रहा है। खतरों के खिलाड़ी बनने वाला पाकिस्तान, जो कभी किसी जमाने में मौका फरस था, कोई दिक्कत कुछ परेशानी होने के बावजूद भी वो आतंक का सरगना बन चुका था, लेकिन आज वही पाकिस्तान को उसका हमसाया मुल्क उत्काल रहा है। आज पाकिस्तान की किसी भी मुल्क में कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया खुद ये मानती है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत पीछे है। आज अफगानिस्तान भी इंडिया से अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन वो पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाना चाहता। हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो पूरी देखें, और अगर आपका कोई सजेशन या कमेंट हो तो हमें लिख के जरूर बताएं। अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने अपने तौर पे एक तरह से कहा जाता है बड़ी मदद की, ज़ियाउल्लाह के जमाने में भी बहुत रेफ्यूजीज रखे गए और सारा कुछ बड़ी अच्छी एक दोस्ती सी चल रही थी। अब कुछ देर से, कुछ टाइम से ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत के साथ जो है वो अफगानिस्तान के टर्म्स बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी इस चीज को बड़ी मतलब उनके दिल के करीब है हमारी खुद मुख्तारी। अक्सर बोलते हैं टेलीविजन शोज पे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सोवरेनिटी होती है मुल्क की। तो क्या पाकिस्तानियों को ये नहीं लगता कि अफगान भी ऐसा ही सोचते होंगे? What message did you send the Taliban when you sent the ISI chief? आपने उनको संदेश क्या भेजा? आपने उनको पैगाम क्या भेजा कि हम आपके मुल्क में, अभी अभी आपने टेक ओवर करा है और हमने आपके मुल्क में ISI का चीफ भेजा है? यानी कि आप दुनिया को ये तासुर दे रहे हैं, आप दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी ISI, हमारी एजेंसी, हमारी फौज अफगान तालिबान को कंट्रोल करती है। वो अफगानों को क्या लगेगा? उनको तो यही लगना है कि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि हम इनके फौजी बूट के नीचे। वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? दे विल नेवर एक्सेप्ट। उन्होंने रशियंस को एक्सेप्ट नहीं करा, उन्होंने अमेरिकन्स को एक्सेप्ट नहीं करा, ये सोचना पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट कर लेंगे। इंडिया ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करा है अफगानिस्तान में, वो इन्वेस्टमेंट कहना ही उसको गलत है, वो इन्वेस्टमेंट था नहीं कभी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो होती है ना जिसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता है। ROI कहते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने तो कोई रिटर्न मांगा नहीं, हमने तो ये नहीं बोला ना उनको कि हम जो हुकूमत है अफगानिस्तान है, हमने $500 मिलियन की सड़कें बनाई हैं तो अब हमें अगले साल $600 मिलियन चाहिए। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला उनसे, या हमें इतना पैसा चाहिए, या अगर तुम नहीं दे पाए तो सड़क हमारे नाम का। हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, हमने बोला हम दोस्ती का पैगाम लेकर आए, हमने सड़क बना दी। तो अफगानों को भी ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया ने कभी इंटरफेयर नहीं करा। अफगान गवर्नमेंट कौन सी बनेगी, तालिबान को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, हमारी बनाई हुई सड़क में तालिबान भी चलते हैं, नॉन तालिबान भी चलते हैं। हमारी बनाए हुए कॉलेज में सारे किस्म के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे जो हमने लाइब्रेरीज बनाई हैं, अस्पताल में तालिबान का भी इलाज होता है, नॉन तालिबान का भी इलाज होता है। तो कहने की बात यह है कि हमने तो कभी ये नहीं सोचा, पाकिस्तान ने सोचा हम अपनी हकानी नेटवर्क की सरकार बनवा दें, वहां पे उसको होम मिनिस्टर बनाएंगे तो हम कंट्रोल कर लेंगे। पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, पाकिस्तान को IMF से लोन की जरूरत है। जो हकानी है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में पले बढ़े हैं, पाकिस्तान में पढ़ाई करी है। जो हकानी है वो सिराजुद्दीन हकानी होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर अफगानिस्तान का। अयमान अल ज़वारी की पूरी पर्सनल सिक्योरिटी है वो हकानी के अंडर है। हकानी की बागडोर पाकिस्तानी ISI के हाथ में। अमेरिकन को किसने बताया कि इस घर के अंदर ज़वारी रहता था? कोई तो उनके ह्यूमन एंट होगा, कोई तो उनका असेट होगा,
कोई तो उनका सिग्नल इंटेलिजेंस होगा, कोई तो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस होगा, कुछ तो होगा जिससे उन्होंने देख के बोला होगा कि हाँ ये बंदा, हाँ अब जरा कैमरा जूम इन करो, हाँ ये बंदा है, ये बुढ़ा है, यही यही है जवाहरी, अब इसको निपटा दो यहाँ पे। कहते हैं कि अब ये पाकिस्तान ने कराया, लोग मानते हैं पाकिस्तान ने कराया क्योंकि पाकिस्तान को लोन चाहिए था यार, ये कहे थे अपने बाजवा साहब को, फोन करा था बाजवा साहब ने कि साहब हमें लोन दिलवाएं, आप IMF से बोले कि लोन दें हमें, वो सेकंड में डील हुई कि ठीक है, अब आप ये बताएं कि साहब जवेरी कहाँ है, लोन तो मिल जाएगा आपको, ये है कहाँ, कह रहा साहब इस रूपनगर प्रेम गली खोली नंबर 420 में रहता है, ठोको इसको यहाँ से, उन्होंने ड्रोन भेजा, एक हेलफायर मारी, ये जो भी मिसाइल मारी उसमें ब्लेड शेड थे कुछ, मारा खत्म कर दिया उसको, दैट्स इट। कि इंडिया ने कभी ये नहीं बोला कि हमें अफगानिस्तान में कंट्रोल करना है चीजें, तालिबान आया हम लोग चले गए, हम लोग वापस जो आए हैं वहां पे तालिबान ने रिक्वेस्ट करा कि आप प्लीज आ जाएं, हमने बोला ठीक है आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आ जाते हैं। पाकिस्तान के साथ ये नहीं, पाकिस्तान इज ऑलवेज सॉट टू कंट्रोल अफगानिस्तान, पाकिस्तान इज ऑलवेज सॉट टू यू नो प्ले द ग्रेट गेम इन अफगानिस्तान, कभी बोला कि नहीं हम रूसियों के खिलाफ खेलेंगे, कभी अमेरिका से पैसा लेके खेलेंगे, कभी तालिबान के साथ खेलेंगे, तो हर दिन चेहरा बदला। वो जईफ एम्बेसडर जईफ था तालिबान का, आपने नाम सुना होगा, जो जईफ था जिसको पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया था, तालिबान का एम्बेसडर इस्लामाबाद में था, उसी को उसी की एम्बेसी से अरेस्ट कर लिया था, उसने भी अपनी माई लाइफ विद द तालिबान, उसने अपनी किताब में लिखा है, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है आप पढ़िएगा, उसने अपनी किताब में लिखा है कि बॉस मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, ISI ने मेरे साथ धोखा दिया है, मुझे बोला कि आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप आइए, ये आप ही का घर है पाकिस्तान, मुझे घर बोल के यहाँ पे ठहराया, फिर मुझे जेल में डाल दिया, उसके कुछ साथी थे जिनको मरवा दिया पाकिस्तान के अंदर, और फिर उसको पकड़ के अमेरिकन को बेच, ही वॉज सोल्ड टू दी अमेरिकन, ही वॉज नॉट हैंडेड ओवर टू दी अमेरिकन, उसको बेचा गया जैसे लोग मवेशियों को बेचते हैं, भेड़ बकरी बेचते हैं, उसको बेचा गया, जो तालिबान का एम्बेसडर था पाकिस्तान ने उसको अरेस्ट करके बेच दिया, तो और पाकिस्तान को लगा कि भूल जाएंगे, ये भूलते थोड़ा।